तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज सरकारी अस्पताल के चिकित्सक 2 घंटे की पेंडाउन हड़ताल पर हैं। इन 2 घंटे तक चिकित्सक कोई ओपीडी नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 25 जुलाई तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह 26 जुलाई से सभी प्रकार की सेवाएं बंद कर देंगे। कहना चाहेंगे कि आज डॉक्टरों का 2 घंटे का पेंडाउन था 9 से 11 का, जो डिस्ट्रिक्ट कुशेत्रा में अच्छा रहा, जो कि हमारी जनमन डिमांड्स के लिए हैं, जो पहले से हमने रखी हुई हैं, जो 6 महीने पहले भी हमने एजिटेशन किया था इसी के लिए और सरकार के आश्वासन के ऊपर हमने उसको स्थगित भी कर दिया था। तो हमारी डिमांड्स वही हैं कि डायरेक्टर समूह की रिक्रूटमेंट रोकी जाए और जो हमारे डायरेक्टर समूह की पोस्ट हैं वो प्रमोशन कैडर में डाले जाएँ ताकि हमारे डॉक्टर्स को जल्दी टाइम पे प्रमोशन मिल सके। फिलहाल जो प्रमोशन एक एमओ के समूह से मिल रहा है 22 साल में मिल रहा है, और अगर ये कैडर ठीक होता है तो ये हमारा प्रमोशन 15-16 साल में हो जाएगा और कैडर की स्टैग्नेशन बंद हो जाएगी। स्पेशलिस्ट कैडर की नोटिफिकेशन भी जल्दी से जल्दी की जाए। जो स्पेशलिस्ट कैडर का ड्राफ्ट है वो सीएम सर से अप्रूव हो चुका है, वो एफडी के अंदर डिपार्टमेंट में है, वहाँ से जल्दी से जल्दी निकल करवा के उसको नोटिफाई किया जाए ताकि स्पेशलिस्ट की भर्ती की जा सके। और हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर की पोस्टें भी खाली हैं, सीएमओ की खाली हैं, एमओ की भी खाली हैं, एक एक गायनेकोलॉजिस्ट पूरा पर 200 बेड का हॉस्पिटल देख रही है, ऐसी पीडियाट्रिशियन भी एक एक ही है। उनके वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सब परेशान है इस चीज़ से और वो लोगों को सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्दी एमओ की भर्ती करे, एमओ की एसएमओ की प्रमोशन करे, डायरेक्टर्स की प्रमोशन करे, सीएमओ की प्रमोशन करे, और ये डीजी ऑफिस का और सरकार का काम है कि टाइम पे ये सारे काम करे। उनके काम ना करने के कारण आम जनता और डॉक्टर इनसे जो काम कर रहे हैं सफर कर रहे हैं, जो कि एक ठीक नहीं है। इसके अलावा टाइम बाउंड सभी डॉक्टरों को प्रमोशन दी जाए, एसीपी दी जाए और प्रमोशन भी क्लियर किया जाए और जिसके अंदर लोगों को डॉक्टरों की हरासमेंट ना की जाए।